Good morning, dear students. In the first part of article, you have already known about the article a or an, okay? And in this video, you will know about the definite article, that is the. There is only one definite article, that is the, okay? So when we use the, we use to the refer to a. We use the to refer to a particular person, animal or thing. तो द हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग को दिखाने के लिए, ठीक है? एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक ही सेंटेंस, एक ही टाइप का सेंटेंस है जहाँ पर एक में ए यूज़ हुआ है एंड दूसरा में द यूज़ हुआ है. ये क्यों हुआ है वो हम लोग देखेंगे. वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंसेस, ओके? This is a coin. यहाँ पे क्या है? This is a coin. And here it is. This is the coin. यहाँ ऐसा क्यों है? देखो, यहाँ पे जो है this is a coin में ये कोई भी coin के बारे में बात किया जा रहा है. Suppose आपके पास two coins हैं, है ना? Two coins हैं. ये जो coin है इसमें आप a use कर रहे हो and इसमें आप the use कर रहे हो. Suppose ये जो coin है ये आपके पास ऐसे ही, आपको नहीं पता है वो किसने दिया, आपको कहाँ मिला, ठीक है? लेकिन ये जनरल कॉइन के बारे में बात किया जा रहा है, दैट इज़ वाई यहाँ पे ये ए यूज़ हो रहा है, ठीक है? बट यहाँ पे देखिए, सेकंड सेंटेंस में दिस इज़ द कॉइन आई गॉट फ्रॉम माय कजन्स बैग. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ये जो कॉइन है उसको मैंने कहाँ पाया? अपने कज़न के बैग में पाया, ठीक है? इट मीन्स ये स्पेशल हो गया आपके लिए, ठीक है? सो दैट्स वाई ये जो कॉइन है वो स्पेशल हुआ एंड हियर इट इज़ विल यूज़ द आर्टिकल द यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो इन दिस वे, जैसे सपोज़ आपके पास टू पेन है, ठीक है? टू पेन है. अब यहाँ एक जो पेन है ये आपका जनरल पेन है, ओके? बट दूसरा जो पेन है, सपोज़ उन्हें आपके मम्मी या पापा ने गिफ्ट किया है आपको, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? द यूज़ करोगे. और ये जो जनरल पेन है इसके लिए दिस इज़ अ पेन यूज़ करोगे, ठीक है? दिस इज़ अ पेन. लेकिन ये जो पेन है जो कि गिफ्टेड है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? दिस इज़ द पेन. यही डिफरेंसेस है दोनों सेंटेंसेस में, ठीक है? नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट इज़ द इज़ यूज्ड बिफोर यूनिक नाउन्स, जहाँ यूनिक नाउन्स हों. एज फॉर एग्जाम्पल, अर्थ, अर्थ यूनिक है, इट इज़ अ यूनिक नाउन. सो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? द, ठीक है? सन यूनिक है, सो यहाँ पे क्या होगा? आर्टिकल द यूज़ होगा. वर्ल्ड, दुनिया एक ही है, यहाँ पे क्या यूज़ होगा? द, ठीक है? नेक्स्ट, द इज़ यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज. सुपरलेटिव डिग्रीज आप लोगों ने देखा है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज होते हैं. तो द कहाँ यूज़ होता है? और सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले, ठीक है? जैसे यहाँ पे क्या है सेंटेंसेस में देखिए, ही इज़ ब्लैंक टॉलेस्ट, दिस इज सुपरलेटिव डिग्री, है ना? तो इससे पहले क्या यूज़ होगा? द यूज़ होगा. ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन दिस क्लास, ओके? सेकेंड नंबर, गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट, ये भी सुपरलेटिव है. सो गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. नेक्स्ट, नंबर थ्री, यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट बोलते हैं ना, तो ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री. अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सीज, ओशियंस, रिवर्स, माउंटेन्स, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स एक्सेट्रा. तो द और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? सीज़ के आगे, कोई भी सीज़ का नेम हो तो वहाँ पे, देन ओशियंस के नेम के आगे यूज़ होते हैं, रिवर के नेम के आगे यूज़ होते हैं, या फिर माउंटेंस के नेम के आगे यूज़ होते हैं, है ना? एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स के आगे, उनके नेम के आगे यूज़ होते हैं. एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, तो पैसिफिक ओशियन इज़ द बिगेस्ट ओशियन, है ना? तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? द पैसिफिक ओशियन. द अरेबियन सी,
सी के नेम के आगे द लगेगा, है ना, द यमुना रिवर, यमुना रिवर, ओके। तो इस तरह से यहाँ द यूज़ होगा। तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा आर्टिकल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।